तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत सत्याकाल एक बार फिर आप तमाम तो लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी सीधे मुद्दे पे आते हैं सीधे कहानी पर आते हैं बात 1971 की है महीना मई का तारीख 24 ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फोर्थ मई नाइनटीन दिल्ली में काफ़ी तेज़ गर्मी थी तापमान लगातार चढ़ रहा था दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बहुत बना हुआ था उसकी वजह थी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग अलग देश एक बांग्लादेश की मांग कर रहे थे और उसके लिए लगातार लड़ाई हो रही थी पाकिस्तानी सेना ईस्ट पाकिस्तान में जुर्म ढा रही थी ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे बांग्लादेशी शरण लेने के लिए हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे थे भारत सरकार पर दबाव था कि वो उनकी रक्षा करें और उनकी मदद करें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो कुल मिलाकर उस वक्त बड़ी गहमा गहमी थी और 24 मई 1971 को पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा था और पार्लियामेंट के सेशन में भी सारा जो मुद्दा था वो पाकिस्तान पाकिस्तान को लेके आने वाले वक्त में जंग के ख़तरा इन सारी चीज़ों को लेकर था बांग्लादेश के लोगों की बांग्लादेश तब बना नहीं था जो ईस्ट पाकिस्तान उनके लोगों की मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और उसको लेकर सारी सरगर्मियाँ उसको अगर छोड़ दें तो क्राइम रिपोर्टिंग के लिहाज से चौबीस मई नाइनटीन का दिन बड़ा बोरिंग दिन था कोई बड़ी खबर नहीं थी जो उस वक्त क्राइम रिपोर्टर थे सारे वो ख़बरों के इंतज़ार में थे और तभी अचानक शाम पाँच बजे क्राइम रिपोर्टर के पास पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है और वो पुलिस वाला उस रिपोर्टर से कहता है कि डाका पड़ गया है साठ लाख का सरकारी बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस एक लाइन की वो खबर देता है फोन काट देता है रिपोर्टर खबर सुनकर उछलता है क्योंकि ये बड़ी खबर थी एक सरकारी बैंक और साठ लाख का डाका और वो भी पार्लियामेंट स्ट्रीट जैसे इलाके में और पार्लियामेंट स्ट्रीट के उस बैंक में जिस बैंक में आमतौर पर नेताओं मंत्रियों उनके अकाउंट होते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था जिसका ब्रांच पार्लियामेंट स्ट्रीट में था खबर तेज़ी से फैलती है पुलिस वालों के पास फ़ोन जाने शुरू हो जाते हैं पुलिस को भी पता चल जाता है कि मामला लीक हो गया है आलन फानन में पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करती है रात करीब पौने दस बजे अनुफली दिल्ली पुलिस की टीम कहती है कि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया है जो साठ लाख का डाका पड़ा है एस बैंक में और इसके बाद आनंद फानन में आधी रात करीब बारह बजे दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों का खुलासा करती है अब सवाल ये था कि ये था क्या और करीब करीब 12 घंटे में इस केस को सुलझा कैसे लिया गया और ये सारी चीज़ें क्यों हुई कहानी शुरू होती है 24 मई दोपहर करीब बारह बजे का वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो एस टी का जो ब्रांच है आम दिनों की तरह वहाँ गहमा गहमी थी और उसी दौरान उस बैंक में जो चीफ कैशियर थे वेद प्रकाश मल्होत्रा वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे और तभी अचानक उनके फ़ोन की घंटी बजती है वो फ़ोन उठाते हैं सामने वाला जो फ़ोन जिसने किया था वो अपना परिचय देता और कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ मेरा नाम पी एन हक्सर है और मैं प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव हूँ यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ साठ लाख रुपए, सौ सौ रुपये की शक्ल में आप इंतज़ाम करें फ़ौर और उसको लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ही एक बाइबल हाउस है आप वहाँ पहुँचे ये पैसे बांग्लादेश की खुफिया मिशन के लिए इस्तेमाल होना है अब चीफ़ कैशियर के पास ये फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाहिर सी से उसकी हालत ख़राब हो गई लेकिन दूसरी तरफ पेशे की मजबूरी ये थी कि एक फ़ोन पे इतने पैसे बिना चेक बिना बाकी किसी गारंटी के कैसे दें तो इस उलझन को सामने जो फ़ोन किया था जिसने वो समझ गया कहता है मिस्टर मल्होत्रा एक सेकंड आपकी मैं सीधे मैडम से बात कराता हूँ मैडम कोई और नहीं थी बल्कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी इंदिरा गांधी इसके बाद अब फ़ोन लेती हैं और मल्होत्रा से कहती हैं जो चीफ़ कैशियर हैं वो कहती हैं कि आप साठ लाख रुपये सौ सौ रुपये की शक्ल में बॉक्स में रखिए और उन पैसों को लेकर आप ख़ुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाइबल हाउस के करीब पहुंचिए वहाँ पे आपको एक शख्स मिलेगा और वो शख्स जो है वो एक वर्ड बोलेगा जब वो कोड वर्ड बोलेगा तब आप उसको वो पैसे दे देंगे और वर्ड जो था वो ये था कि बांग्लादेश का बाबू और जब वो ये बोलेगा वर्ड बांग्लादेश का बाबू तो आपको पलट के इस कोड का जवाब देना और उस जवाब में कहना है बार एट लॉ तो जब आप बार बार एट लॉ कहेंगे तो वो शख्स आपसे पैसे ले लेगा और आप पैसे देने के बाद निकल लीजिएगा मल्होत्रा को लगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है इंदिरा गांधी जी खुद हैं और फिर उन्होंने कहा कि जो वाचर है मिस्टर हक्सर आए जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो आप पीएम ऑफिस से आकर ले लीजिएगा जो साठ लाख के वाचर हैं इसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है अब जो चीफ कैशियर है मिस्टर मल्होत्रा वो अपने डिप्टी चीफ़ कैशियर राम प्रकाश बत्रा से को सारी बात बताते हैं और कहते हैं साठ लाख रुपए फटाफट बॉक्स में रखिए एक स्टील के कंटेनर में साठ लाख रुपए रखे जाते हैं जिनमें डिप्टी हेड कैशियर उस वक्त रावल सिंह थे वो भी मदद करते हैं और ये सारे पैसे रखने के बाद एक उसी बैंक की गाड़ी में दो चपरासी इस जो जिसमें पैसे रखे थे बॉक्स उसको उठाकर उस गाड़ी में रखते हैं और ख़ुद वेद प्रकाश मल्होत्रा उस गाड़ी में बैठ जाते हैं साठ लाख रुपए लेकर बैंक की ये गाड़ी अब बताई हुई जगह पर पहुंचती है और बताई हुई जगह थी उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट में कुछ आगे बाइबल हाउस बाइबल हाउस हा। हा। पहुंचने के बाद गाड़ी जाकर रुक जाती है थोड़ी देर के बाद एक लंबा चौड़ा गोरा सा शख्स गाड़ी के करीब आता है और आकर वो कोडवट बोलता है बांग्लादेश का बाबू जवाब में मल्होत्रा बार एट लॉ बोलते हैं और इसके बाद वो शख्स उसी गाड़ी में मल्होत्रा के साथ बैठ जाता है अब ये गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ती है गाड़ी आगे बढ़ने के बाद थोड़ी दूर जाती है और सरदार पटेल रोड और पंचशील मार्ग का जो जंक्शन है वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है वहाँ जाकर ये गाड़ी रुक जाती है उस गाड़ी से वो शख्स उतरता है जिसने पैसे लिए और वो कंटेनर जिसमें पैसे रखे हुए थे वो उस गाड़ी से उतारता है और वहीं टैक्सी स्टैंड पे एक दूसरी टैक्सी में वो बैठ जाता है और वो जो पैसे से भरा बॉक्स था वो भी उस टैक्सी में शिफ्ट कर लेता है बैठने के बाद वो मल्होत्रा से कहता है कि अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएँ और जाकर वहाँ से वाउचर दे दीजिए इसके बाद वो गाड़ी चली जाती है बैंक के चीफ़ कैशियर अब सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचते हैं वहां जाकर वो मिलना चाहते थे तो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर तो ऑफ़िस में है ही नहीं वो तो पार्लियामेंट में है क्योंकि सेशन चल रहा है तब तो मल्होत्रा वहाँ से सीधे पार्लियामेंट पहुँचते संसद भवन लेकिन वहाँ इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात नहीं होती प्राइम मिनिस्टर ऊपर से सेशन चल रहा है अब वो बड़ी अजीब उधेड़पुन में खैर किसी तरह उनकी पहुँच उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं पी एन हकसर उनसे होती है पी एन हकसर उनसे मिलते हैं पार्लियामेंट में उसके बाद मल्होत्रा बताते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपके यहाँ से जो फ़ोन आया हमने साठ लाख रुपये दे दिए उसके वाउचर दे दीजिए ताकि बैंक में जमा कर दें अच्छा उस कैश को निकालने के लिए उस वाउचर पे उस वक्त खुद निशा मल्होत्रा ने साइन किए थे पी एन अक्सर जैसे ही ये बात सुनते हैं वो चौंक उठते हैं कहते हैं कि हमारे ऑफिस से या पी एम रेजिडेंस से या इंदिरा गांधी की जी की तरफ से या मेरी तरफ़ से आपके बैंक को कोई कॉल नहीं किया गया और मैंने तो कोई कॉल किया ही नहीं आप लुट गए आपको किसी ने धोखा दिया अब ये सुनते ही घबराने की बारी मल्होत्रा की थी उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि ये हुआ क्या बात साठ लाख रुपए की थी और बिना आपने किसी गारंटी के वो पैसे निकाल कर और सड़क पर ले जाकर एक दूसरी गाड़ी में शिफ्ट भी कर दिया और उसके बाद वो पैसे चले भी गए अब पहली बार इधर मल्होत्रा को लगा कि वो वाकई थक गए लेकिन इस सारी कवायद के बीच में करीब तीन चार घंटे बीत गए इन तीन चार घंटे में हुआ यह कि जो रावल सिंह डिप्टी हेड कैशियर वो बैंक में बैठा इंतज़ार कर रहा है कि मल्होत्रा साहब आएंगे बाउचर लेकर आएंगे उसको बैंक के उसमें खाते में चढ़ाया जाएगा लेकिन मल्होत्रा साहब पहुंच नहीं रहे जो दूसरे राम प्रकाश बत्रा थे डिप्टी चीफ़ वो भी लगातार गायब अब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है शाम पाँच बजे तक बैंक भी बंद होनी है और उससे पहले पहले आज का पूरा हिसाब किताब करना है तो रावल सिंह ने अपने सीनियर बैंक के स्टाफ को ये खबर दी कि ऐसे ऐसे बारह बजे एक फ़ोन आया था मल्होत्रा साहब साठ लाख रुपए लेकर चले गए बट अभी तक वाउचर नहीं आया और उनसे संपर्क नहीं हो रहा और चार पाँच घंटे से वो गायब हैं ये सुनते ही बैंक मैनेजर और बाकी लोगों के हाथ पैर फूल गए उन्होंने कहा ये गड़बड़ है कल को ख़बर लीक होगी क्या करेंगे तो उन्होंने रावल सिंह को कहा कि आप फ़ौरन जाइए पुलिस स्टेशन और पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि इसी तरीके से साठ लाख रुपये ऐसे कॉल आया था और वहीं से जब ये रिपोर्ट लिखाई एक पुलिस अफसर ने क्राइम रिपोर्टर को फ़ोन कर दिया जिससे ये खबर मीडिया में आई अब मीडिया में खबर आई रिपोर्टर ने पुलिस को फ़ोन करना शुरू किया पुलिस में भी हड़कंप इसके बाद फ़ौर आनंद फानंद में चूंकि मामला सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जुड़ा हुआ है तफ्तीश शुरू की इसके लिए उस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम ने तीन इंस्पेक्टर की एक टीम बनाई आनंद फानंद में जिसमें मिस्टर डी के कश्यप असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे इंस्पेक्टर फलारी देवी और इंस्पेक्टर ए के घोष तो डी के कश्यप इस केस के आइयो थे और इनकी ही निगरानी में ये दो इंस्पेक्टर और बाकी की टीम इस मामले की तफ्तीश करती है सारी बातचीत होती है उसके बाद मल्होत्रा साहब मिलते हैं जो चेफ़ चीफ कैशियर थे अब वही उस लुटेरे तक पहुंचा सकते थे जिसने ये बैंक लूटा है मल्होत्रा साहब से जब पूछताछ हुई तब उन्होंने बताया कि किस तरह सरदार पटेल मार्ग पनशील के जंक्शन के पास एक टैक्सी स्टैंड पर वो टैक्सी पर बैठा था और वहाँ से चला गया पुलिस की टीम सबसे पहले उस टैक्सी स्टैंड पर पहुंचती है वहाँ ढूंढा जाता है आखिरकार वो ड्राइवर मिल जाता है वो ड्राइवर बताता है कि हाँ उसने एक शख्स को जो बैग में बैठा था अपने साथ यहाँ से डिफेंस कॉलोनी ले गया था पर डिफेंस कॉलोनी जाकर उसने उसे उतार दिया और वो उतर गया अब डिफेंस कॉलोनी के बाद क्या हुआ यहाँ पे पुलिस अंधेरे में डिफ़ेंस कॉलोनी में पुलिस की टीम ने अपना जाल बिछाया तमाम टैक्सी स्टैंड और उन लोगों से पूछताछ की कि किसी के पास बड़ा सा बैग कंटेनर स्टील का तो इतफाक़ से नसीब अच्छा था एक टैक्सी स्टैंड पर फिर पता चला कि हाँ डिफ़ेंस कॉलोनी में ही एक शख्स दोपहर को आया था और उसने एक टैक्सी ली थी अब उस ड्राइवर की तलाश शुरू हुई इतफाक़ से शाम होते होते वो ड्राइवर भी मिल गया उस ड्राइवर से पूछा गया कि तुमने किसी शख्स को बैठाया जिसके पास बड़ा सा बैग था उसने बताया हाँ तो पूछा तुम कहाँ ले गए थे उस ड्राइवर ने बताया कि हम यहाँ से उसको सीधे निकोलसन रोड पुरानी दिल्ली ले गए थे और उससे पहले राजेंद्र नगर में ले गए थे जो कि सेंट्रल दिल्ली में तो उसने बताया राजेंद्र नगर में क्या हुआ तो ड्राइवर ने बताया कि राजेंद्र नगर में हम पहुंचे वो शख्स उतरा और एक घर में गया और उस घर के बाहर ही हमने गाड़ी रोकी थी और उस घर से एक वो बड़ा सा सूटकेस लेकर आया सूटकेस उसने गाड़ी में डाली और उसके बाद वो मुझे लेकर निकोलसन रोड पुरानी दिल्ली पर गया वहीं पर निकोलसन रोड पर ही उसने बाकायदा वो कंटेनर खोला जिसमें पैसे थे जो बैंक के कंटेनर थे और उनको निकाल कर उस सूटकेस में भरना शुरू किया और ये सब कुछ उस ड्राइवर के सामने ड्राइवर की आंखें चौंधिया गई इतने सारे पैसे देखकर तब उस शख्स ने कहा कि तुम गलत ना समझो ये एक खुफिया मिशन के लिए है बांग्लादेश के बट ये बहुत ही सीक्रेट मिशन है तो तुम किसी को बताना मत और बाकायदा उसने उसी में से पाँच सौ का एक नोट निकाल कर उस ड्राइवर को दिया कि तुम अपना मुँह बंद रखना इसके बाद वो उसी गाड़ी में बैठ डिफेंस कॉलोनी दोबारा जाता है और डिफेंस कॉलोनी में उस गाड़ी को छोड़ देता है पुलिस अब राजेंद्र नगर के उस घर में जाती है क्योंकि वो घर में जो भी था जिसने सुकेस दिया वो उस शख्स का जानकार होगा उस घर में जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि हाँ वो जो शख्स आया था असल में उसका नाम रुस्तम सोहराब नागर वाला है रुस्तम सहराग नागर वाला और उसी ने ये सूट केस लिया था इसके बाद पुलिस की टीम डिफेंस कॉलोनी पहुंचती है जब वो दोबारा बैग लेकर गया था डिफेंस कॉलोनी में जाने के बाद पता चलता है कि हाँ नागरवाला एक रुस्तम सहराग लेकिन वो निकल गया है और वो गया है पारसी धर्मशाला पुरानी दिल्ली में वहीं एक रूम लेकर वो ठहरा हुआ था पुलिस की टीम आनंद फानन में पारसी धर्मशाला पहुंचती है पारसी धर्मशाला में थोड़े से इंतज़ार के बाद एक शख्स उस रूम में आता है जो रूम रोस्तम सोहराव नागरवाला के नाम पे बुक था उसके आते ही पुलिस उसे दबोच लेती है दबोचने के बाद उससे पूछताछ होती है तब वो बताता है कि हाँ वो बैग जो है वो डिफ़ेंस कॉलोनी के एक घर में उसके एक दोस्त के पास रखा हुआ पुलिस उसे लेकर डिफ़ेंस कॉलोनी के उस घर में जाती है वहाँ से वो बैग बरामद होता है नोटों की गिनती की जाती है साठ लाख रुपये में से उनसठ लाख पंचानवे बरामद हो जाते हैं सिर्फ़ पाँच हज़ार गायब थे उससे पूछा जाता है कि तुमने क्यों किया उसने कहा कि इस पूरे बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान को लेकर जो सारी चीज़ें चल रही थी उसी में थोड़ा लाइमलाइट आने के लिए मैंने किया और उसने कन्फेस कर दिया तो पाँच हज़ार रुपये मिसिंग थे बाकी के पूरे पैसे उनसठ लाख पंचानवे हज़ार बरामद हो गए रात बारह के आसपास दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और पूरे मामले के ख़ुलासा करती है और बताती है कि उसने इस केस को सॉल्व कर और रुस्तम सोहराब नागरवाला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है चौबीस मई का ये इंसिडेंट था पच्चीस छब्बीस दो दिन गुजरते हैं और सत्ताईस मई को पुलिस रुस्तम सोहराब वाला सोहराब नागरवाले को लेकर कोर्ट में पेश करती है कोर्ट में रुस्तम अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है हिंदुस्तान के कानून के इतिहास में हिंदुस्तान की अदालत के इतिहास में ये इकलौता ऐसा मुकदमा है जिसका फैसला 10 मिनट में हुआ आज तक ये रिकॉर्ड शायद टूटा नहीं है जब उसने कन्फेंस किया 27 मई 1971, सेवेंटी मई 1971 को अदालत ने उसके करार जुर्म करने के 10 मिनट के अंदर अंदर अपना फ़ैसला सुना दिया और उसे चार साल क़ैद की सज़ा एक हज़ार रुपये जुर्माना सुनाया सिर्फ 10 मिनट में क्राइम होने के तीन दिन के अंदर और पहले ही मुकदमे में 10 मिनट में फैसला आ गया चार साल की सज़ा हुई उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई तिहार जाने के कुछ दिन बाद ही उसने उसी कोर्ट में एक दोबारा एप्लीकेशन लगाई कि जो मैंने पहले बयान दिया था जो इकरार किया था कन्फेशन किया था वो गलत है मैं अपना दोबारा इस मुकदमे का री ट्रायल चाहता हूँ अब इसको लेके फिर लोअर कोर्ट में सुनवाई लेकिन उसने ये कहा कि जिस जज ने मुझे सज़ा सुनाई उस जज के कोर्ट में ये मुकदमा नहीं जाना चाहिए उसके रीट्रायल की अप्लीकेशन वकील ने लगाई लेकिन अक्टूबर 1971 में कोर्ट ने उसके रीट्रायल की इजाज़त को देने से मना कर दिया तब मामला यहीं रुक गया लगा कि मामला खत्म लेकिन इसके ठीक एक महीने बाद चूँकि अब जब रीट्रायल की इजाज़त नहीं मिली तो वो हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट की तरफ उसने वकील से कहा कि तुम मूव करो रोस्तम ने अभी कोर्ट की तरफ ये मामला मूव होता कि इसके एक महीने बाद ही ये नवंबर ट्वेंटियथ नवंबर 1971 इस केस के जो मेन आई जिन्होंने ये केस बारह घंटे के अंदर सॉल्व किया था असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डी के कश्यप उनकी शादी हुई थी और वो हनीमून पर जा रहे थे हनीमून पर जाने के दौरान एक रोड एक्सीडेंट होता है और कश्यप साहब की मौत हो जाती है इस पूरे केस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर उसकी रहस्यमय हालात में, में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है अब अक्टूबर में लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट किया हाई कोर्ट पे जाना है और उसके बाद आगे पता नहीं क्या होगा नवंबर में मेन आई ओ की मौत हो जाती है इसके बाद आता है 1972 जनवरी का महीना जनवरी 1972 यानी कि कश्यप की मौत के दो महीने के बाद तीन महीने के बाद अचानक रुस्तम सोहराब नागरवाला की तबीयत तिहाड़ जेल में बिगड़ती है तिहाड़ के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरती फिर उसे जीबी पंथ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और जीबी पंथ हॉस्पिटल में जब उसे शिफ्ट किया जाता है तो उसी जीबी पंथ हॉस्पिटल में शिफ्ट होने के बाद सेकेंड मार्च नाइन्टीन सेवनटी मार्च नाइनटीन को दोपहर करीब सवा दो बजे अचानक दिल का दौरा पड़ने से रुस्तम सोहराब नागरवाला की भी मौत हो जाती है नवंबर में आईओ की मौत उसके करीब तीन महीने बाद जो मुख्य आरोपी रुस्तम सोहराब उसकी भी मौत इसको लेके बड़ा हंगामा उठता है कड़ियाँ जोड़ने की बात की जाती हैं तरह तरह की बातें आती हैं लेकिन अब सवाल ये था और ये पार्लियामेंट में इसके बाद ये मामला गूंजता है पार्लियामेंट में जो मामला गूंजा उसकी कई चीज़ें थी नंबर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक कॉल एक बैंक के चीफ कैशियर को गया और कहा गया साठ लाख रुपए दीजिए बांग्लादेश के लिए खुफिया मिशन के लिए बिना किसी चेक बिना बाकी किसी फॉर्मेलिटी के सवाल ये है और दूसरी बात वो कैशियर प्राइम मिनिस्टर से बात करता है और फिर वो पैसे दे देता है तो क्या मल्होत्रा को इंदिरा गांधी की आवाज़ पता थी नंबर एक कि कैसे दे दिया उसने सिर्फ फ़ोन पे ही आवाज़ सुनकर उसे इतना पता होना चाहिए कि आवाज़ किसी और की भी हो सकती है तो क्या मल्होत्रा इससे पहले भी इंदिरा गांधी से इस तरीके से बातें किया करते थे फोन पर सवाल ये उठा कि क्या इससे पहले भी पी ऑफिस पी रेजिडेंस के फोन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह के खुफिया तरीके से पैसे दिया करती थी तीसरा ये कि इस पूरे मामले में क्या कहीं खुफिया एजेंसियों का हाथ था चौथा ये कि क्या रुस्तम सोहराब जो कि भारतीय सेना में एक कप्तान था और ये भी है कि वो खुफिया एजेंसी के लिए काम किया करता था तो ये पैसा ऊपरी ऊपर से आदेश आया था और बांग्लादेश मिशन के लिए इस्तेमाल होना था और शायद पुलिस में ये केस जल्दी पहुंच गया अगर रावल सिंह पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाकर कंप्लेंट न लिखाते तो शाम तक ये मामला रफा दफा हो सकता था लेकिन पुलिस में मामला आ गया उसके बाद मीडिया में बात आ गई और इसीलिए आनंद फानन में फिर रस्तम को गिरफ्तार करके और 10 मिनट में अदालत का फैसला भी आ गया और 10 मिनट में इसको सज़ा भी सुना दी गई क्या इस पूरे केस का जो आइयो कश्यप हैं जिनकी मौत हुई एक्सीडेंट में वो एक एक्सीडेंट एक हादसा था या साजिश क्या खुद रस्तम सोहराब की मौत नेचुरल मौत थी इसको लेके जब 1976 में जनता पार्टी की सरकार आई इमरजेंसी के बाद तो बाकायदा एक कमेटी बनाई गई मिस्टर रेड्डी कमीशन और उन्होंने अपनी जांच की लेकिन उस जांच की रिपोर्ट में भी ये आया कि सोहराब की मौत में कोई ऐसा फाउल प्ले नहीं पाया गया लेकिन यह सारी चीज़ें कि एक फ़ोन कॉल पे एक आवाज़ पे कैसे ये सब कुछ हो गया बाद में सरकार की तरफ से सफाई आई सफाई ये दी और जो पुलिस की पूरी फाइंडिंग्स थी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा जिसकी वजह से चार साल की सज़ा हुई कि रुस्तम सोराब ने खुद ये प्लान बनाया और उसने कहा कि उसे अचानक ये आइडिया आया था इस तरीके से फ़ोन करके और बैंक को धोखा देने की और उसने कहा कि बांग्लादेश की जन्म को लेकर जो बातें हो रही थी उसमें वो लाइमलाइट में आना चाहता था उसके बाद उसने कहा कि असल में पहले उसने हक्सर की आवाज़ ख़ुद ही निकाली और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की आवाज़ भी उसने खुद ही निकाली मतलब उसने मिमिक्री की थी इंदिरा गांधी की आवाज़ में और इंदिरा गांधी की आवाज़ में मिमिक्री करने के वजह से जो मल्होत्रा था वो समझा कि ये प्राइम मिनिस्टर बोल रही हैं जबकि आवाज़ उसकी थी हालांकि इसको बाद में एक और चीज़ आई कि रुस्तम के फेशियल कुछ पैरालिसिस चीज़ें हो गई थी ठीक से वो बोल या वो नहीं कर पा रहा था तो इसमें एक शक और सवाल उठे कि एक शक जो ठीक से जिसके पैरलाइज हुआ हुआ है वो मेमिक्री कैसे कर सकता है किसी की आवाज़ की बात ये भी उठी कि एस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी खुफिया एजेंसी के कुछ गुप्त खाते हैं आमतौर पर आई हो या रॉ हो इन लोगों के जो फ़ंड होते हैं इनके इवन आप जो अलग अलग स्टेट की पुलिस है जैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है या बाकी लोग जो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं जिसमें टेररिज्म या बाकी चीज़ें होती हैं इनके फ़ंड का ऑफिशियल रिकॉर्ड हिसाब किताब नहीं होता कुछ खास लोगों को ही पता होता है क्योंकि आपको बहुत सारे मुखबिरों को पैसे देने होते हैं बहुत सारे दूसरे जगहों पर लगाने होते हैं और ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में अब इस पाकिस्तान के जो बांग्लादेश की लड़ाई में जो लोग शामिल हो रहे थे उनको हथियार देना ट्रेनिंग देना इन सब पे पैसे खर्च होते हैं तो इसके लिए भी फ़ंड की ज़रूरत होती है तो एक ये भी उठा कि शायद ये सारे जो एस में जो खाता था वो रॉ का था और एक ये भी था कि रुस्तम पहले रॉ के लिए काम करता था तो क्या ये रॉ के जरिए पैसे जानने थे हालांकि उस वक्त जो एक रॉ के चीफ थे मिस्टर काऊ उनसे किसी ने पूछा था कि जो एस में सिक्सटी लाख इंदिरा गांधी के नाम पर जो निकाला था रुस्तम ने क्या ये रॉ के लिए पैसे थे उन्होंने इससे साफ इनकार किया था लेकिन यह है कि कुछ जगहों पे गुप्त खाते होते हैं अपने खुफिया एजेंसी के तो एक सवाल और शक वहाँ से उठा था दूसरा ये था कि ये सारे पैसे रॉ के लिए थे और रॉ के जरिए ये बांग्लादेश या इस पाकिस्तान के काम आने थे और आपको पता है कि जो बांग्लादेश का गठन हुआ उसमें रॉ का बहुत बड़ा रोल था इसको सभी मानते हैं तो एक ये था कि ये पूरा रॉ का ऑपरेशन था लेकिन वो गड़बड़ी ये हो गई कि बैंक के एक स्टाफ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी इसलिए मामला सामने आ गया तीसरा ये भी था कहते हैं कि ये पूरी साजिश इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए थी उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे मिस्टर निक्सन और बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उस पॉलिसी से वो नाराज़ थे और एक तरह से वो नहीं चाहते थे कि इंडिया इतना एग्रेसिव हो तो कहते हैं इसी का फ़ायदा उठाकर निक्सन ने इंदिरा गांधी को बदनाम करने की कोशिश की थी और तभी एक इल्ज़ाम लगा था एक न्यूज़पेपर में भी आया था हालांकि उसके कोई प्रूफ नहीं थे कि दरअसल रस्तम सहराब नागरवाला रॉ का नहीं बल्कि सी के लिए काम कर रहा था और निक्सन और सी ने मिलकर ही रुस्तम सोहराब को इस काम के लिए यूज़ किया था ताकि इंदिरा गांधी को बदनाम किया जा सके उसके बाद इसको लेकर बहुत सारी बातें आईं लेकिन कोई सबूत और बाकी चीज़ें कभी सामने नहीं आ पाई क्योंकि इसमें जो एक सबसे अहम था वो मारा गया हालांकि एक खबर ये भी है कि जब जेल में था रुस्तम तब उसने उस वक्त के एक वीकली न्यूज़ था जिसके एडिटर को फ़ोन किया था कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ और वो एडिटर जो है वो बीमार थे उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा लेकिन नागर वाला असिस्टेंट को इंटरव्यू देने से मना कर दिया इसके बाद एक और बात आई कि एक वकील जो केस लड़े थे जो हाई कोर्ट में जा रहा था उस वकील ने एक रिपोर्टर से उस वक्त बात की थी कि रस्तम सहराब नागरवाले ने वादा किया कि तुम्हें एक ऐसी स्टोरी दे जो इस साल की सबसे धमाकेदार स्टोरी होगी और उस रिपोर्टर को उस वकील ने कॉन्टेक्ट किया था जो नागरवाले का केस लड़ था लेकिन ये रिपोर्टर मिल पाता उससे पहले ही मार्च 1972 में नागरवाला की मौत हो गई तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी एक्चुअली ये जो 60 लाख की कहानी इसके पीछे का सच किया है इस पर सवाल और शक खड़े करते हैं हालांकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे केस को सॉल्व किया था करीब बारह बजे ये पैसे निकले थे बारह सवा बारा, और पौने दस बजे रुस्तम पुलिस की गिरफ्त में था तो आप मान के चलिए कि करीब 9 से 10 घंटे में ही पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया था और इस पूरे ऑपरेशन को चूँकि मामला प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ था और एक सरकारी बैंक को चूना लगाया गया था तो जो टीम बनाई गई थी और इस ऑपरेशन को उस वक्त नाम दिया गया था ऑपरेशन तूफान तो ये ऑपरेशन तूफान था जो नौ घंटे तक तूफ़ानी रफ्तार से जिसकी जाँच हुई और रात बारह बजते बजते इसका खुलासा हो गया लेकिन इस ऑपरेशन तूफान इस बैंक से साठ लाख रुपये के निकाले जाना रुस्तम सोहराब का इसमें रोल एम ऑफिस से फ़ोन इन सारी चीज़ों की हकीकत वाकई यही है जो रिकॉर्ड पे है जो रिपोर्ट हुई या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और इस सच तक आज भी कोई नहीं पहुंच पाया तो ये थी कहानी ऑपरेशन तूफान की एक ऐसी बैंक को लूटने की जिसकी दूसरी मिसाल शायद ही मिले तो आज कहानी में इतना ही फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच